सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, आज और अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव, लेकर आई हूं अभी तक की बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कश्मीर मसले पर कहा कि भारत और रूस आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। साथ ही भारत और रूस के बीच रक्षा परमाणु क्षेत्र में 15 समझौते भी हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सहमति बन गई है। अब बिना वीजा बिना परमिट के 10,000 भारतीय श्रद्धालु सालाना ननकाना साहिब के दर्शन कर पाएंगे। मोदी सरकार ने यूएपीए कानून के तहत मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और जाकिर उर रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इन सब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कल से जियो फाइबर लॉन्च कर रही है। भारत के 1600 शहरों में इसका कनेक्शन मिलेगा। प्रीव्यू ऑफर के तहत एक महीने के लिए फ्री इंटरनेट भी मिलेगा। 5 बार के चैंपियन रहे रोजर फेडरर यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। उनको बुल्गारिया के गैर वरीय खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने हराया है। अब दिमित्रोव का सेमीफाइनल में मुकाबला रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म साहो का देश विदेश में डंका बज रहा है। 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने जहां 5 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश के बड़े मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।